हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में जो पौधा है ये कनेर का है। अक्सर दोस्तों कनेर कई तरह की होती है। मेरे पास जो ये पौधा है ये है पीली कनेर का। इसमें है जो पीले कलर के हैं जो फ्लावर लगते हैं, और इसी प्रजाति में एक और कलर का फ्लावर आता है जिसको कि उसमें वाइट फ्लावर लगते हैं, और एक कनेर और आता है जो कि बिल्कुल बोनसाई होता है, उसमें है जो आपके पिंक कलर के है जो फ्लावर लगते हैं, उसमें खुशबू भी होती है। लेकिन ये जो कनेर का पौधा है जो कि पीली कनेर के नाम से जाना जाता है, इसमें इसकी खुशबू नहीं होती है। तो दोस्तों ये जो पौधा है ना, इसकी जो आप ये लीफ देख सकते हैं, ये देखिए आप, इसकी लीफ बहुत ही शाइनी है और बहुत ही मतलब ग्रीन होती है ये इसकी लीफ। तो मुझको तो दोस्तों ये जो पीली कनेर का पौधा है वो बहुत ही पसंद है दोस्तों। अब आप इसको चाहते हैं तो गमले में भी लगा सकते हैं, और आप इसको घर के बाहर भी लगा सकते हैं ज़मीन के अंदर। वैसे ये इसका पेड़ बनता है, इतना बड़ा भी पेड़ नहीं बनता इसका, लेकिन ये पेड़ की प्रजाति वाला पौधा है। घर में अगर आप इसको गमले में लगाते हैं तो कम से कम गमले में इसकी जो हाइट होगी वो 6 से 7 फीट होगी, और अगर आप इसकी प्रूनिंग करते हैं तो ये काफ़ी बोनसाई भी बन जाता है, और घर के बाहर अगर आप ज़मीन में डाल देंगे तो ये पेड़ बन जाएगा। और अगर आप इसकी बार बार कटाई और छटाई और प्रूनिंग करते रहेंगे तो ये अच्छा गहरा है जो छायादार पेड़ भी बन सकता है। तो अब दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कनेर है ये अपन किस तरह से इसका है जो लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये कनेर है जो दो तरह से लगाया जा सकता है। ये आप ये मैंने है मेरे जो घर के बाहर ये पेड़ था तो गायों ने इसकी टहनी को तोड़ दिया, तो मैंने सोचा आज क्यों ना है जो इस टहनी का उपयोग किया जाए और कनेर के पौधे के लिए एक वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी जो टहनी है, ये टहनी मैं यहाँ से तोड़ देता हूँ, ये इस हिसाब से आपको ये थोड़ी उंगली से भी पतली आपको टहनी लेनी है, और कम से कम ये जो टहनी है जो आपके ये 1 या 1.5 फुट की है जो होनी चाहिए। इसको आपको है जो सेकेटर से है जो 45 डिग्री ऐसे काट लेना है। मेरे पास अभी सेकेटर नहीं है, आप चाहे तो इसको चाकू से भी काट सकते हैं, और हल्का हल्का इसको यहाँ से चाकू से छील के, ये मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आपको ये टहनी है जो इस हाइट की, आपको इस टहनी को रखना है सेकेटर से, यहाँ से इसको आपको यहाँ से कट लगा देना है और हल्का हल्का छील के जो मिट्टी के अंदर डाल देना है। दोस्तों मिट्टी इसके लिए कोई ज़्यादा खास नहीं चाहिए। अगर आप शुरुआती इसको टहनी के रूप में लगाना चाहते हैं तो आपके जो है जो गार्डन सोइल होने चाहिए, थोड़ा सा आप कोकोपीट ले लें और वर्मी कंपोस्ट ले लें ताकि थोड़ा सा इसमें नमी रहे और ये इसकी जो है जो टहनी में फुटान हो सके। दोस्तों अगर आप ये टहनी लगाना चाहते हैं तो कम से कम आप इसकी जो मंथ की जो अवधि है वो अप्रैल मई में आप है जो इसको लगाए। फिर आगे क्या होता है, जब रेनी सीजन शुरू हो जाता है तो इसकी अच्छी ग्रोथ होने शुरू होती है। लेकिन दोस्तों अगर अपन ये टहनी से कटिंग करके इस पौधे को लगाना चाहते हैं तो बहुत ही रेयर केस में इसकी कटिंग लगती है। तो अगर आप कम से कम 15 या 20 कटिंग लगाएंगे तो हो सकता है कि उसमें आपके 3 और 4 ही कटिंग सक्सेस हो। दोस्तों आप देख सकते हैं कनेर के ये हल्की हल्की ये देखो बर्ड्स निकलती है, और बर्ड्स के नाम फिर बाद में है जो इस पे है जो फ्लावर आते हैं, और फ्लावर आने के बाद जो एक्चुअली इसका जो सीड बनता है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखो आप देख सकते हैं ये इसका ये सीड है, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये है इस कनेर के सीड। आप ये देखो पूरा ये बर्ड्स आई हुई है और ये सीड जैसे बहुत ही देखो टीनी अवस्था में, छोटी सी अवस्था में है। ये देखो ये बर्ड्स आप देख सकते हैं,
तो इसमें खूब सारे हैं, मतलब फ्लावरिंग होती है, पूरा ये पेड़ है जो पीले फ्लावर्स से भर जाता है, बहुत ही सुंदर दिखता है दोस्तों। तो ये अपन इसके सीड से भी अपन है जो इसको तैयार कर सकते हैं। ये आप, मैं ये आप देख सकते हैं, ये इसके सीड है दोस्तों, ये आप इसके ये सीड देख सकते हैं। सीड से ये बहुत ही जल्दी ग्रो होते हैं। तो अभी ये सीड है जो अभी मैच्योर हुआ नहीं है, तो अगर मैं इन सीड को आपको बताना चाहूँ कि ये मैच्योर होने के बाद कैसे होते हैं, तो बिल्कुल ये काले कलर के हो जाते हैं। और कुछ सीड मैंने ये मैं लेके आया हूँ, ये देखिए, ये सूखने के बाद है जो ये सीड है जो ऐसे होते हैं, आप देख सकते हैं ये सीड। तो आप ऐसे सीड है जो कलेक्ट कर लें, काफ़ी बड़े बड़े साइज के भी इसी साइज के सीड होते हैं, लेकिन मेरे पास तो ये अभी छोटे सीड है, लेकिन ये भी मैच्योर हो चुके हैं। और इससे भी आप है जो इस कनेर को बीज के जरिए लगा सकते हैं। तो ऐसे आप बीज कलेक्ट कर लें और इनको फिर पानी में थोड़ा भिगो दें लगाने से पहले, 24 घंटे में ये पूरा गल जाएगा। और गलने के बाद ये आप देखिए, ये जो सीड है ना, ये इस हिसाब से इसकी ये खोली है जो उतर जाएगी। ये मैं ये देखिए आप, ये प्रत्येक बीज, ये एक्चुअली है, ये खोली किसी काम की नहीं है, ये है कनेर का सीड। अभी तो एक्चुअली क्या है, मैंने गीला नहीं किया है, मैं ऐसे ही है जो बीन के लेके आ गया हूँ। तो आप ये, आप थोड़ा नज़दीक लाइए कैमरा, ये आप देख सकते हैं, ये है, ये सीड है, ये एक्चुअली ये कनेर के सीड है। तो दोस्तों, कनेर एक्चुअली सीड से अगर आप लगाओगे तो बहुत ही जल्दी लगेगा। कनेर है जो कटिंग से लगता है, लेकिन इतना है जो नहीं लगता जितना कि सीड से है। तो मैंने आपको सीड बता दिया है कि ये सीड पहले होता है ऐसा ग्रीन कलर का, फिर जब ये मैच्योर हो जाता है तो फिर ये ऐसे ब्लैक कलर का हो जाता है। और ब्लैक कलर के खोल को जब ये पूरा मैच्योर हो जाएगा, तो आप इसके खोल को पानी में थोड़ा डाल दीजिए, और जब आपको इसको गमले में आपकी पूरी मिट्टी वगैरह पूरा तैयार हो जाए, तो आप है जो इस बीज को गमलों में मिट्टी में थोड़ा थोड़ा इसको अंदर डाल दीजिए अलग अलग जगहों पे, और आप इसमें पानी डाल दीजिए। विद इन आपके 10-15 दिनों बाद में है जो ये बीज है जो गमले से मिट्टी से बाहर निकल जाएगा, और बहुत ही सुंदर है जो ये पौधा है कनेर का दोस्तों। इसमें ये कहा जाता है कि भगवान शिव के कनेर बहुत ही भगवान शिव को पसंद है, और बहुत ही घना ये पौधा है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझको ज़रूर है जो बताएगा, मुझको कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हैं तो मुझको बहुत ही अच्छा लगता है, हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी वीडियो लेके आएं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी मेरे हिसाब से अच्छी लगी होगी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।